गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आवर सब्जेक्ट इज हिंदी ऑफ क्लास थर्ड. टुडे वी विल डिस्कशन ऑन क्लास थर्ड लेसन टू. अकड़ निकल गई बालू की इस लेसन में. अकड़ निकल जाती है. क्यों निकल जाती है? क्योंकि उसके पास एक ऐसा आईना होता है जिसको किसी भी जानवर को दिखाते हैं. आईने में वैसे तो किसी की पिक, कोई भी अपनी पिक देख सकता है. उसी तरीके से वह क्या करता था, दूसरे जानवर को उसके आगे आईना रख देता और क्या होती तो उसको वो आईने में खुद की पिक्चर देखता और डर जाता है. इसी से उसमें ऐसी अकड़ आ गया, ऐसा घमंड आ गया कि वह किसी भी जानवर को डरा सकता है. तो एक दिन क्या हुआ, जब वह रास्ते सड़क पर जा रहा था आईने को थैले में डालकर, तो उसका जो आईना है, थैला है, वो हाथ से छूट गया और आईने के टुकड़े टुकड़े हो गए. तो उसकी सारी असलियत सभी जानवरों के सामने आ गई, तो उसकी अकड़ निकल गई. तो उसके हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या किया था, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे. तो आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कुछ फिलअप्स और क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो बहुत ही अच्छा लेसन था, दिलचस्प लेसन था ये. एक अच्छी शिक्षा मिलती है इससे. तो आज पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे. आज हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा हो गया. तो आज हम उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. इस लेसन में से कुछ फिलप्स निकल के आए हैं जिनकी हमें आंसर देना है, उत्तर देना है. तो एक दिन कै पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का कै पार्ट है. एक दिन उसे खालिस्तान खरगोश मिला. कौन सा, क्या नाम था उस खरगोश का, कौन सा था वो, चुनमुन. एक दिन उसे चुनमुन खरगोश मिला. नेक्स्ट फिलप है, गोलू अब खालिस्तान से जंगल में घूमने लगा. किससे, शान से. तो इसमें क्या आएगा, शान. उसका थैला खालिस्तान से छूट गया. किससे छूट गया, हाथ से. यहाँ पे क्या आएगा, हाथ. गोलू बालू की सारी खालिस्तान भी गायब हो गई. क्या गायब हो गई, अकड़. जो उसमें एटीट्यूड था वो सारा गायब हो गया शीशे के, मिरर के, आईने के टूटते ही. किसने कहा, तो कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ बातें दी गई हैं जो हमें उनको पढ़कर बताना है कि ये बात किसने कही थी. तो पहली है, गिद्दड़ आजा थैले से बाहर. यह बात किसने बोली, तो यह बात गोलू ने बोली. गिद्दड़ को डराने के लिए बोली थी, गोलू ने बोली थी. तुम आजकल इतना अकड़कर क्यों चलते हो, यह बात किसने बोली, यह बात चुनमुन ने बोली. किसने बोली, चुनमुन ने बोली. यहाँ पे आएगा चुनमुन ने. नेक्स्ट, तुझे क्या मैं चाहे जैसे चलूं, यह बात कौन बोल रहा है, यह बात गोलू बोल रहा है, गोलू ने. नेक्स्ट, अच्छा भाई नमस्ते, यह किसने बोला, यह बेज्जू ने बोला. बेज्जू ने. अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं. तो छह नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. गोलू ने आईने में क्या देखा. पहला क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, गोलू ने आईने में क्या देखा. गोलू ने आईने में दूसरा भालू देखा. तो इसका उत्तर क्या आएगा, गोलू ने आईने में दूसरा भालू देखा. बेज्जू ने दांत पीसकर गोलू से क्या कहा. बेज्जू ने दांत पीसकर गोलू से कहा कि क्यों रे भालू, तुझे किस बात की अकड़ है. गोलू बेज्जू ने दांत पीस कर
पीस कर भोलू से कहा, कि क्यों रे बालू, तुझे किस बात की अकड़ है? गोलू डर कर दौड़ क्यों लगाने लगा? गोलू डर कर क्यों की? गोलू डर कर इसलिए दौड़ लगाने लगा क्योंकि वहां पर कुछ शिकारी कुत्ते आ गए थे। क्योंकि वहां पर कुछ शिकारी कुत्ते आ गए थे। तो ये हमारे जो आंसर्स की क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तो नेक्स्ट, भाषा की बात, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको जोड़कर हमने क्या बनाना है, नए शब्द बनाने हैं। जैसे विद्या प्लस आलय क्या बन गया? विद्यालय। तो आगे है भोजन प्लस आलय, इससे क्या बनता है? भोजनालय। पुस्तक जमाने पुस्तकालय। चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय। इस तरीके से हम इन शब्दों से कुछ नए शब्द बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित शब्दों से हमें कुछ शब्द बना वाक्य बनाने हैं। कुछ इन शब्दों से हमें कुछ वाक्य बनाने हैं। क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। तो पहला क्या है? नटखट गोलू बहुत नटखट था। चुनमुन चुनमुन खरगोश सांप जानवर था। नेक्स्ट, अकड़कर गोलू अकड़कर चलने लगा। तो आज का हमारा जो लेस होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा, जो हमारे क्वेश्चन आंसर है, फिलअप्स हैं, उसके बाद शब्द से हमें वाक्य बनाने हैं। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू।